हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ नैलोन खम्मन की रेसिपी। वो भी आज इसे हम बनाने वाले हैं तलोद इंस्टेंट खम्मन से। तलोद खम्मन बहुत ही ज्यादा जूसी, सॉफ्ट और एकदम जाली जैसा बनकर तैयार होता है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से, आप देख सकते हैं बहुत ही जूसी और जालीदार बनकर तैयार हुआ है और इसे बनाने में भी बहुत ही कम टाइम लगता है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है तलोद नैलोन का खम्मन, आप देख सकते हैं। इस खम्मन को बनाने के लिए आपको अलग से कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इस पैकेट में सब कुछ ऐड होकर आता है। ये 500 ग्राम का पैकेट है। इसका जो प्राइस है वो आप देख सकते हैं, 105 रुपये इसका प्राइस है। चलिए फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं एकदम जूसी, सॉफ्ट और जालीदार खम्मन। इस खम्मन के पैकेट को इस तरह कट कर लिया है, इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैं इस खम्मन को तीन भाग में बनाऊंगी। एक भाग मैं यहाँ आपको बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने एक कप भर के ये बेसन लिया हुआ है नैलोन खम्मन का। इसके अंदर एक पैकेट आपको इस तरह से मिलेगा जिसमें बेसन और सोडियम बाइकार्बोनेट मिक्स करके आया हुआ है। इसे हर एक भाग में एक चम्मच यूज करना है। यहाँ पर 200 ग्राम पानी लिया हुआ है इस खम्मन के बैटर को बनाने के लिए। यहाँ पर एक साथ पूरा पानी बिल्कुल ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इस मिक्सर को इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। हम इस तरह से पानी डालते जाएंगे और खम्मन के बैटर को अच्छे से मिलाते जाएंगे। इस तरह से यहाँ मैंने बैटर को मिक्स कर लिया है। इसे 5 मिनट रख देते हैं। इस खम्मन को हम बनाएंगे इस कढ़ाई पर। इस कढ़ाई में मैंने रखा है स्टैंड, एक कप पानी डाल दिया इसमें। अब यहाँ पर ढक्कन लगाकर पानी को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। एक थाली में हम इस तरह से तेल लगा लेंगे। इसी थाली में हम खम्मन के बैटर को डालेंगे। इस तरह से अच्छे से तेल लगा लिया है। यहाँ पर इस पैकेट को मैंने इस तरह कट कर लिया है। ये बेसन प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट है जिसे एक चम्मच मैंने ले लिया है। यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और उंगली से इस तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर इसे अच्छे से मिला लें, इसमें कोई गांठ नहीं होनी चाहिए। और फटाफट मिलाकर हम इस तरह से खम्मन के बैटर के ऊपर डाल देते हैं। यहाँ पर इसे हमें बहुत ही फटाफट और अच्छे से मिलाना है। इस तरह से आपको मिलाना है जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देखते जाएंगे जैसे जैसे आप इसे मिलाते जाएंगे ये फूल कर ऊपर आ जाएगा। इस तरह से इसे फटाफट मिलाएं और तेल लगे हुए बर्तन में इसे फटाफट इस तरह से डाल दें। इस तरह से हम सारा बैटर इस थाली में अच्छे से डाल देते हैं और डालकर हम इस तरह से इसे हिला देते हैं जिससे ये चारों तरफ इसके कोने अच्छे से बराबर हो जाएं। अब इसे यहाँ पर हम ढक्कन हटाएंगे और इस तरह से हम कढ़ाई में रख देते हैं। यहाँ पर पानी काफ़ी अच्छे से बॉयल हो चुका है। इस तरह से आप अच्छे से रख दें और ढक्कन लगाकर इसे हम 20 मिनट यहाँ पका लेंगे। बीच बीच में आप इसे ढक्कन हटाकर चेक ना करें, नहीं तो ये अच्छे से फूल नहीं पाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 10 मिनट बाद ये कितना अच्छे से फूलने लगा है। जब तक यहाँ पर खम्मन बनकर तैयार होता है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यहाँ पर आप देखेंगे 20 मिनट हो चुके हैं। सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे एक चाकू की मदद से। ये देखिए चाकू एकदम क्लीन निकल आया है। यहाँ पर खम्मन एकदम परफेक्ट बन चुका है। अब इस थाली को हम एक तरफ रख देते हैं ठंडा होने के लिए। यहाँ पर हम खम्मन के लिए खट्टा मीठा तड़का तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच तेल लिए हुए। तेल को थोड़ा यहाँ गर्म करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच राई। राई को अच्छे से चटकने देंगे। राई यहाँ पर अच्छे से चटक चुकी है। यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्च को इस तरह से बीच से काट के डाला है। इसको यहाँ पर हम 30 सेकंड फ्राई कर लेते हैं इस तरह से। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 10 से 12 फ्रेश कड़ी पत्ते। इसको भी यहाँ पर 30 सेकंड हम इस तरह से फ्राई करेंगे। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप भर के पानी। साथ ही हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच ये नमक है। 1 चम्मच मैं यहाँ पर शक्कर ले रही हूँ। शक्कर हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि खम्मन के पैकेट में शुगर ऐड होता है। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा नींबू का रस। इस तरह से हम इसे अच्छे से चला देते हैं और अच्छा बॉयल आने के बाद हम इसे 5 मिनट पका लेंगे। यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसे हम दोबारा इस तरह से चलाएंगे। अब यहाँ गैस के फ्लेम को बंद करके इसे ठंडा कर देते हैं। यहाँ पर खम्मन भी काफ़ी ठंडा हो चुका है। इस तरह से हम पानी की इसमें छींटे मारेंगे। इसमें चारों तरफ से पानी अच्छे से हम थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं इस तरह से छिड़क कर। इसके बाद हम चाकू की मदद से इसके पीस बना लेते हैं खम्मन के। आप देख सकते हैं ये एकदम सॉफ्ट बना हुआ है। कितनी आसानी से ये कटता चला जा रहा है। आपको इस खम्मन की कटिंग से ही पता चल रहा होगा कि ये खम्मन कितना ज़्यादा सॉफ्ट और जालीदार बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से यहाँ पर सारे पीस हम कट कर लेंगे और इसे हम दूसरी प्लेट में इस तरह से पलट लेते हैं। इस तरह से मैंने इसे इस प्लेट में पलट लिया है। अब एक चाकू की मदद से हम इसमें अच्छे से गैप बना देते हैं पीसेस में, जिससे जो हमने तड़का बनाया है वो अंदर तक आसानी से चला जाए। अब इसके ऊपर हम इसमें तड़का डालेंगे इस तरह से।
अच्छे से हम इसे अंदर तक डाल देते हैं, जिससे ये अंदर तक पहुंच जाए। इस तरह से इसके किनारे में इस तरह से हमें अच्छे से फैला देना है। अगर आपको पसंद हो तो आप इसके ऊपर थोड़े से अनार के दाने या टूटी फूटी डाल सकते हैं, ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। यहाँ पर बहुत ही कम टाइम पर तलोद नैलोन खम्मन बनकर तैयार हो चुका है। इसे बनाने में बहुत ही कम टाइम लगा है। यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट और जूसी और एकदम जाली जैसा यहाँ खम्मन बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं इसको चारों तरफ से। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।